हे गाइस, वेलकम इन रानी कृष्ण ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। आज है सप्तमी और आज हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, नव पत्रिका पूजा। तो ये बंगाल में होता है, बेसिकली बिहार में नहीं होता। तो बंगाल के लिए, बिहारियों के लिए ये नया है, बट ये बंगालियों के लिए बहुत आम बात है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सप्तमी का नव पत्रिका पूजा में। तो ये होता है क्या है, जो नहीं जानते हैं उन्हें तो ये बहुत ही अजीब सी लग रहा होगा बात सुनकर, बट क्या है कि मैं इसके पीछे का जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टोरी ये है कि षष्ठी के दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि देवी माँ धरती पे आती है, तो उनको क्या है, बल्ब निमंत्रण दिया जाता है और सप्तमी के दिन भोर में देवी की नव पत्रिका पूजा की जाती है। मान्यता है कि नव पत्रिका पूजा के बिना देवी की पूजा अधूरी रहती है। तो आइए चलिए देखते हैं, जानते हैं नव पत्रिका पूजा क्या होता है। तो नव पत्रिका पूजा में होता क्या है कि इसमें 9 तरह की पत्तियों को मिलाकर एक गुच्छा बनाया जाता है, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और आपको सोची मैं पहले कुछ बता दूं फिर लेके चलती हूँ जर्नी पे, देखेंगे हम लोग चलेंगे। तो पहले मैं इसके पीछे का स्टोरी कुछ बताती हूँ आपको। इसमें क्या है, पत्तियों के जरिए देवी का पूजा का आवाहन किया जाता है। इसमें 9 पत्ती होता है, जिसको कि 9 माता दुर्गा का रूप माना जाता है, प्रतीक माना जाता है आप कह सकते हो। तो नव पत्रिका पूजन है, सूर्योदय से पूर्व ही स्नान ध्यान करके पत्तियों को पवित्र नदी में धोया जाता है। इसी स्नान को नव पत्रिका महास्नान कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है बेसिकली बंगाल में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से होते हैं पत्ते। तो इसमें सबसे पहले होता है धान की बाली, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप देख सकते हो हम लोग पंडाल में आ चुके हैं, बहुत सारी लेडीज आ चुकी हैं, क्योंकि इसमें सारी सुहागन औरतों को ही कलश ले जाना होता है और उसमें जल भरकर नदी से लाना रहता है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप देखते रहिए और मैं आपको कहानी बताते रहती हूँ इसके पीछे का और आप सुनते रहिए। तो नेक्स्ट आता है केले का पत्ता, जिसे कि ब्रह्मानी का प्रतीक माना जाता है। और थर्ड आता है बेलपत्र, जिसको कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। फोर्थ आता है कचुवी, जिसको कि कच्चू भी बोलते हैं, जिसे कि माँ काली का प्रतीक माना जाता है। और हल्दी का भी पत्ता होता है, जिसे माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। जौ की बाली लगी होती है, जिसे देवी कार्तिकी का प्रतीक माना जाता है। अनार के पत्ते होते हैं, जिसे देवी रक्त दंतिका का प्रतीक माना जाता है। और अशोक के पत्ते होते हैं, जो देवी शोक राहिता का प्रतीक माना जाता है। तो हम लोग हैं ऑन द वे, हम लोग जा रहे हैं नदी, और नदी में 9:01 बज गया ना, कि नहीं आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। 8 तो मैं बता दी, 9वां होता है अमरूद के पत्ते, जिसे कि माँ चामुंडा का प्रतीक माना जाता है। आप देख सकते हो नगाड़ा बज रहा है और एक आगे जो लड़का है वो लेके जा रहा है 9वों का बंडल, एक गुच्छा बनाया गया है। और ये देखिए आप सामने देख पा रहे हो कि नदी में स्नान हो गया है जिन्हें की नव पत्रिका का, और अब इनको माता दुर्गा के जैसा इन्हें एक वस्त्र दिया जाएगा, जो कि बंगाल का ट्रेडिशनल साड़ी कह सकते हो, रेड और वाइट, उसी को पहनाया जाएगा। और ये पूजा जो है आपको पता होना चाहिए महासप्तमी के दिन होता है, इसका काफ़ी महत्व होता है। इस दिन देवी को नींद से जगाया जाता है और धरती पर मनुष्यों के बीच रहकर वह उनके कष्टों को हरती हैं। देवी की पूजा पतियों से करने के पीछे एक मान्यता भी रही है यहाँ की। देवी किसान को अच्छी फसल का आशीर्वाद देती हैं, किसान लोग इसका खास करके विशेष महत्व देते हैं। नव पत्रिका का इस्तेमाल दुर्गा पूजा में ही होता है और वो भी सिर्फ महासप्तमी के दिन। देवी को चूंकि प्रकृति का देवी भी माना जाता है और यही मानकर उनकी आराधना आज की जाती है नव पत्रिका के रूप में। तो इसमें सारी लेडीज़ जो होती हैं वो स्नान ध्यान करके अच्छे से एकदम तैयार होकर के जाती हैं। इसमें माँ दुर्गा के जैसा उन्हें साड़ी पहनाया जाता है, मुखौटा डाला जाता है, सिंदूर का लेप लगाया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है, फूल अगरबत्ती से इनकी पूजा की जाती है। और पूजा के बाद नव पत्रिका को वापस हम लोग पंडाल में लेके आएंगे, जहाँ की माता दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है। फिलहाल तो आप देख सकते हो यहाँ की जो महानंदा नदी है उसमें काफ़ी पानी आ चुका है बारिश होने के बाद से। आपको तो पता ही है कि अभी बरसात था और बरसात में तो पानी होना आम बात है। तो यहाँ आप अभी देख रहे हो कि एक ही है, बट ये बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि टाइमिंग सबका अलग अलग होता है, इसलिए आज इस बार आपको दिख नहीं रहा होगा।
पिछले साल का जो आपका मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है नवपत्रिका पूजन का वीडियो, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रुप आए हुए थे, बहुत सारे पंडाल से आए हुए थे, बट इस बार कम आए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तो काफ़ी इंजॉय किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया, आपको आगे भी दिखाऊंगी। फिर इसके बाद हम लोग पंडाल चलेंगे और वहाँ